नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं हूँ अरुंधति और आप देख रहे हैं गार्डनिंग विद अरुंधति। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ये जो परचुलका का प्लांट है, अभी डोरमेंसी से बाहर आने वाले हैं। अभी समर में ये बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग करते हैं, तो ये सारे प्लांट को मैं अभी पॉट देने वाली हूँ। और दोस्तों, मैं ये आज पॉट देने वाली हूँ। 6 इंच का पॉट है प्लास्टिक का, तो इनके रूट्स बहुत ज़्यादा नीचे तक नहीं जाते हैं, तो इसलिए ये छोटे छोटे पॉट ही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और यहाँ देखिए ये प्लांट्स कैसे लेगी लेगी सा हो रहे हैं, तो इनको लगाना भी बहुत आसान होता है और पूरे समर में ये आपके गार्डन को फूलों से भर कर रखते हैं। तो पहले ये जो छेद है इनको मैं ठिकरी से खोल कर कवर कर लेती हूँ चारों पॉट की। यहाँ देखिए अच्छी तरह से ठिकरी देकर और पॉट की जो ड्रेनेज होल है इसको हम कवर कर लेंगे पहले। ये देखिए दोस्तों, ये मेरे मिट्टी ले ली है, पुराने वाले मिट्टी ली है, मेरे विंटर गार्डन का मिट्टी है, तो इसमें रेत और कोकोपीट मिला हुआ है, तो मैं इसमें नहीं मिला रही हूँ। और यहाँ पर देखिए ये मैंने थोड़ी सी राख मिला ली है और इनमें थोड़ी सी मैं सीविड एक्सट्रैक्ट मिला रही हूँ। यहाँ देखिए और इनमें थोड़ी सी ये नीम खली मिला रही हूँ। यहाँ देखिए और थोड़ी सी डीएपी मिला रही हूँ। और थोड़ी सी एप्सम सॉल्ट डाल दें। तो इस तरह से ये मिट्टी हो गई है तैयार, इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरह से मिल गए हैं, तो पॉट में इसको हम डाल देंगे। ये देखिए बहुत ही छोटा पॉट है, तो बिल्कुल भर देंगे। दोस्तों, पहले मैं इनमें पानी दे रही हूँ, ये फंगीसाइड वाला पानी है, और पहले मैं इनको पानी से भर रही हूँ क्योंकि ये मिट्टी थोड़ी सी बैठ जाएंगे तो हमें प्लांट्स लगाना थोड़ी सी आसान हो जाएगा। अच्छी तरह से पानी भर देंगे। जब तक ये मिट्टी सेट हो जाता है तब तक मैं ये पोर्चुलका के जो ब्रांचेस हैं इनको कट कर रही हूँ। यहाँ देखिए ये सारे निकल आए हैं और यहाँ से ये देखिए बहुत सारे इनमें से प्लांट निकल आएंगे। फिर ये देखिए कितने सारे हो गए। देखिए दोस्तों, ये ब्रांच कितनी लंबी है, तो इसको मैं दो हिस्सा कर रही हूँ और नीचे से जो लीव्स हैं इनको निकाल रही हूँ। ये देखिए इस तरह से हम निकाल लेंगे और लंबे लंबे जो ब्रांचेस होते हैं उनको आधा कट कर लेंगे। और यहाँ देखिए बहुत सारे प्लांट्स इसमें तैयार हो जाते हैं। इसको अगर मैं पूरी धूप में भी रख दूँगी तो भी ये ग्रो कर जाएंगे, बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं। ये देखिए एक एक होल करते जाना है और एक एक ब्रांच को उनमें रखते जाना है। यहाँ देखिए
इसी तरह से पूरे पॉट को भर देंगे। तो दोस्तों यही ये देखिए, ये पॉट अभी लगकर तैयार हो चुका है। तो इसी तरह मैं और जो पॉट्स हैं, ये तीन पॉट भी मैं लगा लूँगी। और तो वीडियो को यहीं पर रखते हैं। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि मेरे हर आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फिर किसी नए टॉपिक के साथ नई वीडियो के संग आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।